तने मन मिलला जमिठानी। बार बार समझाई रहो है ते बदत सुख बानी। हाथ जोड़ी सितार बोले सुन ले वर जो हमारी तुम मारो मिन रहो है जब हंस के प्राण बचाई। समझाया है तो एक नहीं मानी है, सिद्धार्थ गौतम ने भी कहा है भैया मान जाओ। तो उसी समय देवदत्त ने कहा है चलो राजा सिद्धोधन के पास चलते हैं, वो जैसा न्याय करेंगे वैसा हमें मंजूर होगा। क्योंकि राजा का धर्म होता है, फर्ज होता है दोनों पक्षों की बात को मजबूती से सुन करके उसका न्याय करना। तो आज बार बार कहने पर हंस को उठाया है आज सिद्धार्थ गौतम ने। हंस को उठाने के बाद आज महाराज सिद्धोधन की कचहरी के लिए जिस समय सिद्धार्थ गौतम ने सीध लगाई है, एक के हाथ में हंस है दूसरे के हाथ में तीर कमान है, लेकर के चले हैं। बेटा मोहित के लीनो हंस उठाए आगे की करी तैयारी है। तैयारी की है तो याद रखना अरे सीधा महल चले हैं।
जा करके जहाँ पर महाराज सिद्धोधन का दरबार लगा हुआ है, महाराज सिद्धोधन ने दोनों पुत्रों को आते हुए देखा है तो समझ गए आज दोनों में कोई झगड़ा हुआ है, कोई बात हुई है जिसके कारण आज दोनों के चेहरे उतरे हैं। एक के हाथ में हंस है तो दूसरे के हाथ में तीर कमान है, दूसरे के हाथ में तीर कमान है। आज जैसे ही दोनों पुत्र जब पास में पहुंचे हैं तो सिद्धार्थ गौतम के आंखों से अश्रुधारा बह रही है। देवदत्त से जाते जाते सिद्धार्थ गौतम पास में पहुंचे हैं। महाराज सिद्धोधन ने दोनों को चेहरों की तरफ देखा है, कहा है कहो लाल कैसे आना हुआ है, तुम्हारे हाथ में तीर कमान है, सिद्धार्थ के हाथों में हंस है, कारण क्या है? तो सबसे पहले सिद्धार्थ बोल भी नहीं सके तो देवदत्त उतावला था, बोल बैठा, कहने लगा है राजन मैं बाग में शिकार खेलने के लिए गया और वहां देवदत्त ने कही मेरे बबला सुनो शिकार खेलना क्या हमारा धर्म नहीं है, हमारा दायित्व नहीं है? महाराज सिद्धोधन ने कहा है देवदत्त धर्म तो है लेकिन पूरी बात कहो ना, क्या हुआ क्या? कहा है ये हंस सिद्धार्थ भैया को मिला है लेकिन मांगने से मुझे दिया नहीं, जो आज आप तक मुझे आना पड़ा है, मैंने इन्हें बहुत समझाया है। तो उसी समय सिद्धार्थ गौतम ने आंखों में अश्रुधारा भरते हुए कहा है पिताजी आप तो एक राजा हैं और राजा का धर्म है कि वो न्याय ठीक से ही करे। अगर आप राजा हैं तो आपको ये मालूम होगा कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, और इसे देवदत्त ने मारा है लेकिन मैंने बचाया है। आज हुआ ऐसा देवदत्त की बातों को सुन करके, सिद्धार्थ गौतम की बातों को सुन करके आज महाराज सिद्धोधन ने विचार किया है दोनों हमारे पुत्र हैं, अगर एक को हंस दे दिया दूसरे को नहीं दिया तो वो नाराज हो जाएगा, दोनों लाल हैं, मैं हंस दूं तो किसे दिलवाऊं? लेकिन न्याय होने के खातिर कहा गया है राजा वही होता है जिसके अंदर न्याय करने की क्षमता होती है। एक कवि कहता है बेटा मोहे अरे पाग का जगी रोशन और किलो का तो तो महाराज सिद्धोधन एक राजा थे, राजा का फर्ज है दायित्व है कि सही तरीके से न्याय करना।
मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, इसलिए वो हंस आप जैसा न्याय करें वो मुझे मंजूर होगा, क्योंकि आप एक राजा हैं। आप एक राजा हैं, आपका दायित्व है, आपका फर्ज है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जीवन, आपका धर्म बिगड़ जाएगा, आपका धर्म बिगड़ जाएगा। तो हुआ ऐसा आज बार बार समझाने पर, सिद्धार्थ गौतम के कहने पर महाराज सुद्धोधन ने समझाया है। कहा है, पिताजी इस हंस के माता पिता ने भी इसे जन्म दिया है, चाहे पशु पक्षी हो चाहे जानवर हो, कोई भी सही दर्द हर किसी को होता है। दर्द हर किसी को होता है, और इसी दर्द के चक्कर में आप इस हंस को जैसा न्याय किया, जैसा न्याय होगा वो आपको मंजूर होगा। आज बार बार कहने पर सिद्धार्थ गौतम ने, देवदत्त ने पिता से कहा है, आप एक राजा हैं, राजा के दायित्व से मैं आपके पास में आया हूँ, और ये हंस का जैसा न्याय करें वो मुझे मंजूर होगा। सिद्धार्थ गौतम को महाराज सुद्धोधन ने वो हंस दे दिया, कहा ये हंस सिद्धार्थ गौतम को मिलेगा, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। वो हंस को सिद्धार्थ गौतम को दे दिया गया। आज उसी दिन से देवदत्त सिद्धार्थ का विरोधी बन गया, सिद्धार्थ से ईर्ष्या जलन पैदा हो गई। उसे विचार किया, आज नहीं तो आगे चल करके हमारा भी मौका लगेगा। उसी दिन से अंत तक सिद्धार्थ गौतम को देवदत्त कई बार तो मारने का प्रयास करेगा। आज जब हंस सिद्धार्थ गौतम को दे दिया गया, उस हंस को लेकर के आज महलों की सीध लगाई है, महलों के लिए चले हैं। हुआ देखा है सिद्धार्थ गौतम का चेहरा उतरा था, प्रजापति को महामाया मैया ने वचन दिया था कि मेरे बेटा को कभी कष्ट मत पहुंचाना, कभी दुख दर्द नहीं पहुंचाना। आज वह प्रजापति ने जब सिद्धार्थ गौतम को उदास देखा, आंखों से अश्रु धारा बहती हुई देखी है, तो मैया प्रजापति पूछने लगी है, लाल क्या हुआ, किसने किसी ने तुझसे कुछ कह दिया है, किसी ने तुझसे कुछ कहा है जो तू रो रहा है, क्या कारण है? तो आज मैया प्रजापति अपने लाल सिद्धार्थ गौतम से पूछ बैठी है के मोरे दुखिया के लाल लला तोए किसने है रे मारो। Thank you.
तोई किसने मारो लला पूछ रही यार तेरी मैया। प्रजापति ने पूछा है लाल क्या हुआ है कि तेरी आंखों से अश्रु धारा बह रही है, क्या कारण है, क्या कारण है? तो आज उसने समझाया है सिद्धार्थ ने, माँ मैं क्या बताऊं तुम्हें, वो देवदत्त भैया को समझा देना, नहीं तो तेरा लाल तुझे छोड़ करके चला जाएगा। प्रजापति ने कहा है बेटा देवदत्त की बातों में ना आया करो, तुम खेलने के लिए मत जाया करो, महलों से बाहर ना जाया करो। तो उसी समय मैया प्रजापति से सिद्धार्थ कहने लगे हैं, माँ ते मैया ते बदत्त भैया तंगा में रोज कर बेटा तुम देवदत्त की बात में ना आया करो। इस प्रकार से सिद्धार्थ गौतम ने छोटी सी अवस्था में एक हंस के प्राण की रक्षा की। एक क्योंकि पहले ये चैप्टर भी बच्चे जानते होंगे जिन्होंने पढ़ा है, लगभग क्लास 3-4 में आया करता था हंस की, हंस रक्षा का एक चैप्टर, उसमें आज शायद वो खत्म कर दिया गया है। लेकिन वो 8 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ गौतम ने हंस पर दया दिखाई थी और बचपन से ही दयालु बनते चले गए और उनकी दया करुणा देखते ही मैया प्रजापति महाराज से दोधन का हृदय कांप जाता है। क्योंकि उन्हें वही असित मुनि की बात याद आ जाती है कि हमारा पुत्र कहीं बैरागी ना बन जाए, कहीं बुद्ध ना बन जाए। बोलिए भगवान बुद्ध की पंच दरबार की।